स्वागत है आपका जुगनू शो में। भारत की ज्यादातर आबादी जानती ही नहीं यौन और प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे आम बोलचाल की भाषा में SRHR भी कहा जाता है, ये होता क्या है। सिनर्जी संस्थान द्वारा हरदा के युवा पुरुषों महिलाओं के साथ जब बातचीत की गई कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, तो पता चला कि कहीं नहीं, अपना कहीं नहीं पता। ये मैंने नहीं सुना, वो मैं जानता नहीं हूँ। मेरा थोड़ा बहुत तो जाना है इसके बारे में, YouTube पे वीडियो देखी है मैंने इसके बारे में, बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैंने इस बारे में सुना भी है और लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा भी है इसके बारे में। इसमें जो है महिलाओं के शारीरिक संबंधित बातें होती हैं और पुरुष से संबंधित बातें होती हैं, जिसमें कि जैसे महिलाओं के माहवारी को लेकर उनमें उनका उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है या फिर उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इतना ही पता है मुझे। नहीं कुछ भी नहीं, ये पहली बार सुन रही, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हरदा के समुदाय से बात करने के बाद यह बात तो निश्चित हुई कि समुदाय में SRHR को लेकर जानकारी बहुत कम है। और फिर बात हुई हरदा के आशा कार्यकर्ता जया जी से, उन्होंने इस जानकारी के अभाव के चलते होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। हाँ, तो इसमें तो है कि लोग गांव में तो लोग लेडीज की तो सुनते नहीं है, वो तो उनको जबरदस्ती करते ही, दवाइयों का भी उपयोग बहुत कम ही लोग करते हैं। आदिवासी एरिया है तो आदिवासी एरिया में तो बच्चे ज्यादा होते हैं, उससे डिलीवरी और शादी होती है तो तुरंत प्रेगनेंसी आ जाती है। जैसे बोलते में 3 साल का अंतर होना चाहिए, तो वो भी आदिवासी एरिया है तो वो लोग कोई इस चीज पे कोई ध्यान देते नहीं है कि उसको ध्यान देना चाहिए। बहुत कम ऐसे हैं जो ध्यान देते हैं। साफ सफाई का भी कोई इतना विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। युवाओं से तो बहुत कम हो पाता है डिस्कस, अधिकांश हम लोग लेडीजों से ही बात करते हैं। हम लोगों को इकट्ठा करके समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग ने अभी तक तो नहीं की उन लोगों से बात। चले अगर कोई आता है अपनी विशेष के साथ, उसके साथ तो उसके साथ बात कर सकते हैं, बाकी ऐसे नए लड़कों के साथ तो नहीं सकते, क्योंकि वो लोग उसका एक मजाक का मुद्दा बनाते हैं और फिर उसमें हाँ किशोरी बालिकाओं को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं। अब जैसे 6 महीने तक अपन मालाडी है ये दे नहीं दे सकते उन लोगों को, 6 महीने तक अपन मालाडी नहीं दे सकते उनको, अपने को उनको निरोधी यूज करना पड़ता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी जल्दी आ जाती है। हाँ, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे होता है इन्फेक्शन होता है, पीरियड्स आते हैं तब कपड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो उससे इन्फेक्शन होता है हम लोगों को, तो उससे तो उनको इन्फेक्शन होता ही है। हाँ, जैसे उन लोगों को योनि में बहुत खुजाल आती है, जलन हो जाती है, जलन होती है, खुजली होती है, उनको ऐसे सफेद फफूंद जैसे आ जाती है उन लोगों को आसपास, कई बार ये गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से भी हो जाता है हम लोगों को। और जेंट्स तो जबरदस्ती करते ही है, मतलब बिना मर्जी के उसके साथ यौन शोषण होता ही है, और निरोध वगैरह यूज करना नहीं करना कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग माने कि हम कोई लेडीज चाहे जो तो भी वो निरोध यूज नहीं करते हैं, जबरदस्ती की जाती है, दबाया जाता है, इसलिए उनको मतलब यौन शोषण से और गर्भावस्था से उनको गुजरना पड़ता है, वो उसका विरोध नहीं कर पाती है उस चीज का। अधिकांश जेंट्स जो दारू पीते हैं, नशे में रहते हैं, और नशे में रहते हैं तो वो मतलब फिर उस चीज को यौन संबंध बनाते ही हैं वो लोग जबरदस्ती करके लेडीज के साथ, और वो मना करती है तो भी वो मतलब उस वो नहीं कर पाते हैं, ऐसे में फिर यौन संबंध महिलाओं के लिए दुखदायी हो जाता है। प्रजनन के लिए यहाँ पर है ना, मतलब लोग बहुत नाबालिग लड़कियों का बहुत कम उम्र में जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती है। संबंध और प्रजनन के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है दोस्तों। जानकारी का अभाव भ्रांतियाँ, गलतियों और खतरनाक निर्णय का कारण बनती हैं, जो अक्सर एक स्वस्थ जीवन को स्थापित करने में बाधा देती हैं। चलिए आज के जानकारी सेक्शन में हमारे साथ दो सहेलियाँ जुड़ रही हैं, जो समाज के कल्याण के लिए अनेक मुद्दों पर काम करती हैं। मेरा नाम है राजकुमारी। और मेरा नाम है अमरीश। आज हम बात करेंगे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर। इसकी परिभाषा क्या है, इसे प्रभावित करने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं, और हम बात करेंगे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर बात करना और जागरूकता लाना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल,
यौन और प्रजनन का स्वस्थ होना हमारे अच्छे यौन संबंध और प्रजनन प्रणाली से संबंधित है। इसका मतलब है कि यौन और प्रजनन को स्वस्थ रखने से यौन प्रक्रियाएं सुरक्षित होती है और प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन का समय सरल और सुखी होता है। और हाँ, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याणकारी स्थिति है। इसका मतलब है कि भारत का हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है कि उसे कब, कैसे और कहाँ एक संतोषजनक और सुरक्षित यौन जीवन जीना है और प्रजनन प्रक्रिया के लिए भी वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अब ये तो बात रही कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, आप बात करते हैं कि वो कौन कौन से पहलू या मुद्दे हैं जिनका यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य बहुत ही बड़ा और जटिल मुद्दा है। इसके कई पहलू हैं जिसका असर किसी भी व्यक्ति के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसके कुछ अहम मुद्दे हैं जैसे कि लिंग आधारित हिंसा, यौन गतिविधि से संबंधित जानकारियाँ, दारू, तम्बाकू और दुरुपयोग, सूचना और संचार तकनीकी ICI का प्रभाव, साइबर अपराध, परिपक्वता और इन सभी के विषय में सही जानकारियाँ। आने वाले एपिसोड में हम इन सभी मुद्दों पर हम एक व्यवस्थित और संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। पर क्यों जरूरी है कि हम और आप बात करें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर? पहला कारण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य 3 को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए चिंता है। यह लक्ष्य 5 को भी आगे बढ़ाता है जो लैंगिक समानता के लिए कहता है। दूसरा कारण, BBC ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह निकल कर आया कि हर एक दिन 10 लाख लोग यौन संक्रमित पाए जाते हैं। तीसरा, परिवार नियोजन सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। CDC बात है, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में अपनी पसंद बनाने का अधिकार और जिम्मेदारी है। अब हम चलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों, अमरीन ने आपको अभी बताया कि SRHR यानी कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य बहुत ही जटिल विषय है, पर इसे समझना भी बहुत जरूरी है। आज के जुगनू शो के एपिसोड पहले में इतना ही, इस विषय पर और आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में। मेरा नाम है पिंकी और जुगनू शो को आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं प्रवाह, जो दिल्ली की समाज सेवी संस्था है। साथियों, इस शो से जुड़े हुए अपने विचार साझा जरूर करें। मैसेज या कॉल करें 9711419962 या फिर आप मेल कर सकते हैं pinky@synergysansthan.com pinky@synergysansthan.com। आप हमें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सिनर्जी संस्थान, बदरपुर लेन, इंदौर रोड, शालीमार रेस्टोरेंट के सामने, हरदा, मध्य प्रदेश। पिन कोड है 141331। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।